चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। आज हमारे वीडियोग्राफर आदित्य ने कहा कि आप बैठ के कीजिए, थोड़ा अलग करेंगे आज की टेक न्यूज। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा अलग बैकग्राउंड, थोड़ा बैठ के करेंगे। आपको ये जो फ्रेम वगैरह है बैठ के न्यूज मैं जो देता हूँ वो अच्छी लग रही है या नहीं है जरूर बताइएगा। वैसे आज खबरें जबरदस्त है, वो आपको बहुत मजा आने वाला है, दैट इज अ प्रॉमिस। एक तो दोस्तों एप्पल बहुत स्मार्ट है, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है बैंक में, लेकिन फिर भी जब पेमेंट करना होता है ना किसी को, जी हाँ किसी को देने नहीं होते हैं पैसे। ऐसे ही कुछ हुआ है ओपन एआई के साथ। अब आपको पता है कि उन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया, बैकएंड में ओपन एआई इंटीग्रेटेड है, चैट जीपीटी वगैरह आई सेटिंग के अंदर। लेकिन क्या आपको पता है एप्पल इज नॉट पेइंग एनीथिंग टू ओपन एआई, कुछ नहीं दे रहे हैं वो। इनफैक्ट ओपन एआई ने यह कहा है कि भाई हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है थ्रू आईफोन्स वो ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू फाइनेंशियल पेमेंट जो करने वाले। तो इसेंशियली एप्पल जो है उन्होंने ओपन एआई से कहा है कि हम मदद करने वाले हैं आपको आपका ओपन एआई एंड चैट जीपीटी ज्यादा पॉपुलर करने में। और सोचिए मिलियंस ऑफ आईफोन्स है उसके ऊपर आपका होने वाला है, इसीलिए आप हमसे पेमेंट मत मांगिए, जी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें रफा दफा कर दीजिए उसी के साथ। यस चलिए यही होने वाला है, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, टेक न्यूज आपके लिए करते हैं जी हाँ, बहुत सारे बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है इसके अंदर, तो एक लाइक ही मांगते हैं और कुछ नहीं, और सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, दैट इज अप टू यू। चलिए बात करते हैं रिलायंस जियो के बारे में। अब उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है SES के साथ, जी हाँ उन्हें इन स्पेस INSPACE छोटा इसका अप्रूवल मिल गया है, बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट इंडिया में लॉन्च करने के लिए, ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया इस नाम से ये बेसिकली वेंचर का नाम है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि उनको अभी भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट से और भी अप्रूवल्स वगैरह मिलने, बेसिकली दिस इज सैटेलाइट इंटरनेट जो स्टारलिंक और अमेजॉन क्विपर के साथ कम्पीट करने वाला है, अब देखते हैं आने दीजिए। बट सैटेलाइट इंटरनेट ओपन्स अप लॉट ऑफ डोर्स, जी हाँ जहाँ पे कनेक्टिविटी वगैरह नहीं होगी दूर दराज इलाकों में भी आपको इंटरनेट मिलेगा थैंक्स टू सैटेलाइट कनेक्टिविटी। चलिए अब फोन्स के बारे में बात करते हैं, नए लॉन्चेस के बारे में। Xiaomi 14 CV इंडिया में लॉन्च हो गया है, बेस वेरिएंट 8256 का है, उसकी प्राइस 42999 आई हुई है, ठीक ठाक है, अच्छा फोन है, कैमरा हाईलाइट है इसका, 8S Gen 3 है, इसका वीडियो फुल वीडियो कर दिया अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन गो एंड चेक इट आउट, ओवरऑल डिसेंट फोन विद कैमरा सेंट्रिक फीचर्स। चार्जिंग है। अगर मैं बात करूं ताइवानी प्राइस की, कन्वर्ट करते हो तो 49,000 में इसकी प्राइस आई हुई है। चल देखते हैं आने वाले लॉन्चेस। यस रियलमी GT6 अब 60 आ गया, अब GT6 जो है ये लॉन्च होने वाला है 20 जून को, अब इसकी प्राइस 40,000 के नीचे कही जा रही है, 39999 इसकी प्राइस होने वाली है, 8S Gen 3 पे होने वाला है, 1.5K 128 OLED कर्व डिस्प्ले होने वाला है, अच्छा कैमरा होगा कहा जा रहा है, 50+8+50 दिया ऐसे रेयर कैमरा सेटअप एंड 32 MP का सेल्फी होने वाला है, 100W की चार्जिंग होने वाली है, प्राइस 40,000 के नीचे, जी हाँ मतलब ये CV के कंपटीशन में उतारा हुआ है। ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट लीक्स एंड रूमर्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नॉर्ड C4 लाइट के लाइव इमेजेस जो हैं ये लीक हो गए, Geekbench स्कोर्स भी आ गए, स्पेसिफिकेशंस भी आ गए। अगर मैं Geekbench स्कोर्स के बारे में बात करूं तो मल्टी कोर स्कोर इसका 2002 आया हुआ है एंड सिंगल कोर 896 आया हुआ है, ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर पे होने वाला है। ओ माय गॉड, मुझे लगा 6S Gen 3 या 6 Gen 3 पे होने वाला था, बट नहीं, 695, 8GB रैम है, अंडर 20,000 इसकी प्राइस होने वाली है। दो साल के बाद भी फोन 695 के, मतलब ये 695 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 कब आया था, 3 साल पहले, दिस इज क्रेजी, जून 18 को पता चल जाएगा सब, लेट्स वेट एंड वॉच। वैसे S24 FE, सैमसंग गैलेक्सी S24 FE के बारे में बात कर रहा हूँ, ये भी Geekbench पे आ गए, ये बेसिकली अंडरक्लॉक्ड एक्सिनोस 2400 प्रोसेसर पे होने वाला है, इसका सिंगल कोर स्कोर कुछ 2047 है, मल्टी कोर स्कोर 6279 इतना है, अगेन इसमें भी 25W की चार्जिंग होने वाली कहा जा रहा है, 25W यार अभी भी,
क्या प्राइस होगी पता नहीं, बट 50-60 होने वाली है विद 425 वॉट चार्जिंग, लेकिन कैमरास अच्छे होंगे। वैसे इन्फिनिक्स का एक फ्लिप फोन इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप, इसको FCC सर्टिफिकेशन मिल गया है, मतलब लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। वर्टिकली अलाइन कैमराज है, पीछे की तरफ स्क्वेयर कवर डिस्प्ले होने वाला है, 8GB रैम, 512GB स्टोरेज एंड 70 वॉट चार्जिंग। सो इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप फोन कमिंग सून। ऑलराइट, WTF न्यूज ऑफ द डे। और ये बहुत सारे लोग जो यूट्यूब एड ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। अब दोस्तों एड्स कैसे होते हैं पता है, वीडियो चलता है पहले एड्स आते हैं वो अलग होते हैं और उसे एड ब्लॉकर ब्लॉक कर सकता है। यस, वैंस वगैरह बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, एड से हमें थोड़ा रेवेन्यू मिलता है, बट हाँ यूट्यूब दोस्तों वो बंद करना चाहता है। सर्वर साइड एड इंजेक्शन ये मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका मतलब जो वीडियो होगा ना उसका ही वो पार्ट होगा, सो इट इज गोइंग टू बी अ सिंगल वीडियो, तो एड ब्लॉकर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली सर्वर से ही एड दिखने वाली है अलॉन्ग विद द वीडियो। सो एड ब्लॉकर्स अगर आप इस्तेमाल करने वाले हो, सॉरी, आपको अब एड्स देखने पड़ेंगे। रैपिड फायर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्नैपड्रैगन समिट 2024 अक्टूबर 21 को होने वाला है हवाई में, जहां पे 8 Gen 4 लॉन्च होने वाला है। इस टाइम 8 Gen 4 क्रेजी होने वाला है। Samsung Galaxy Watch FE दोस्तों लॉन्च हो गया है, 1.2 इंच की AMOLED स्क्रीन है, 247 mAh बैटरी है, 1.5GB RAM है एंड 199 मतलब $200 का आ गया है, मतलब 16-17 हज़ार। वैसे Samsung ने कंफर्म कर दिया है कि उनके जो Z Fold 6 एंड Z Flip 6 आने वाले हैं उनमें Galaxy AI होने वाला है। जी हाँ, तो Galaxy AI के फीचर्स उसमें भी आएंगे। और फाइनली बता दूं, Infinix Note 45G इंडिया में 21 जून को लॉन्च होने वाला है। ये बेसिकली सबसे अफोर्डेबल फोन होगा जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। जी हाँ, कैसी लगी आज की खबरें? अच्छी लगी तो जरूर नीचे बताइए, फीडबैक होगा नीचे बताइए, बैठ के हमने करना है, खड़े होकर न्यूज करनी है वो भी नीचे जरूर बताएगा। वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एट स्टे सेफ।